आप लोग सेकंड हैंड कपड़े खरीदने के शौकीन हैं तो सेकंड हैंड भी ले सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट हैंड कपड़े भी मिलते हैं तो फर्स्ट हैंड भी ले सकते हो। अंदर में ना सोयाबीन छोटा छोटा वाला सोयाबीन वाला नहीं है वो। अच्छा अच्छा, वो वीडियो में आता हो मतलब थोड़ा बहुत अजीब लगता है क्योंकि क्या पता लोगों को पसंद ना आता हो। साढ़े तीन सौ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। थैंक यू, आपने अपना नाम क्या बताया था? अक्की। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। हाजी पार्क, ओके। हांगकांग मार्केट एंड न्यू मार्केट इज जस्ट नियर बाय? नो इट्स नियर, जस्ट फ्रंट वन इज हांगकांग। ओके, दिस एरिया इज कॉल्ड हाजी पार्क। व्हाट इज इन हांगकांग मार्केट? जस्ट ओनली मार्केट फॉर क्लॉथ्स। ओके ठीक है। यहां पे वैसे ये वाला बिजनेस भी बहुत चलता है कि भैया आप नोट बेचते हो या फिर क्या करते हो? खरीदते हैं फटाफट नोट खरीदते हो और सबूत दे देते हो। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। आपने अपना नाम क्या बताया था? अक्की। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। तो ये अक्की थे जिन्होंने मतलब मेरी हेल्प करी रेलवे स्टेशन से यहाँ न्यू मार्केट तक आने के लिए। क्यों यहाँ न्यू मार्केट में वैसे मोस्टली आपको कपड़े वगैरह ही देखने को मिलेंगे। काफ़ी क्लोज सी मार्केट है, मतलब बंद बंद सी, तो यहाँ पे मैक्सिमम कपड़े और ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी आपको। कपड़ों का मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि कितने के कपड़े होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा भैया। कितने की है ये? 550। मतलब इसी रेंज में सामान रहता ना यहाँ पे? दीपक फ्लाइंग सोलो, दीपक फ्लाइंग सोलो। ओके यूट्यूब पे। तो यहाँ पे मतलब न्यू मार्केट में नए नए कपड़े। हाँ क्या जूते? ठीक है, कितने के ये वाले जूते? कितने के? साइज कितना? आठ नंबर नहीं है। नहीं है मतलब कितने के होते हैं लगभग? कितने के हैं? हाँ रेंज कितने की रेंज है? रेंज 800। ओके हाँ, मैंने जो ये वाले शूज़ खरीदे ये वाले भी 700 की हैं। भाई अपने शूज़ दिखाना चाहता था तो मैंने उसके शूज़ भी देख लिए। मैक्सिमम सामान यहाँ पे लड़कियों का ही होता है। ये वाला फर्स्ट हैंड है सेकंड हैंड? सेकंड हैंड उनको बताओगा। ओके वैसे तो लड़कियों का सामान है नहीं, लड़कियों का ही है ना सारा। ओके यहाँ पे तो पूछते हुए फायदा नहीं, अभी कुछ और यहाँ पे लड़कों का हो वो पूछते हैं। ओके ये वाला सेकंड हैंड सामान है और लड़कों का भी है। 200 बिक्री करो। 200 की? 200 से स्टार्ट हो जाती है? नहीं नहीं स्टार्टिंग 200 से स्टार्टिंग है, 354 ऐसे बिक रही है। अच्छा अलग अलग टाइप की शर्ट्स हैं, सेकंड हैंड है ये? नहीं हाँ सेकंड हैंड। ओके ठीक है। और ये जैकेट्स? जैकेट तो अभी फिलहाल 300 में दे रहे हैं। 300 में कोई अच्छी अच्छी जैकेट्स भी हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप लोग सेकंड हैंड कपड़े खरीदने के शौकीन हैं तो सेकंड हैंड भी ले सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट हैंड कपड़े भी मिलते हैं तो फर्स्ट हैंड भी ले सकते हो। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे सेकंड हैंड सामान की। वो वाली जो लाइन थी उधर वाली वो सारी फर्स्ट हैंड वाली थी, ये वाली जितनी भी लाइन है ये वाली सेकंड हैंड सामान की है। जैसे दिल्ली का सरोजनी मार्केट है, दिल्ली के सरोजनी मार्केट में भी आपको कई जगह सेकंड हैंड कपड़े मिल जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे बल्क में आपको सेकंड हैंड कपड़े देखने को मिल जाएंगे। तो कपड़ों की मार्केट से आगे आते ही आपको यहाँ पे सब्जियों की मार्केट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं और इसके आगे शायद फिश मार्केट भी है। भैया फिश मार्केट आ गई है ना? फिश मार्केट आ गई है ना? फिश मार्केट अंदर में ये वाली यहाँ पे पीछे थी, यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट और ये है आगे फिश मार्केट। ईल, ये वाली ईल है ना? यहाँ पे भी फिशेज हैं अलग अलग तरीके की। शलगम ही है,
हेलो ये भी यहाँ पे लंबी वाली फिशेस भैया, यहाँ पे मैक्सिमम जो फिशेस है वो लंबी लंबी फिशेस होती है ना, चौड़ी वाली नहीं होती क्या? जिंदा वाला नहीं, मतलब जैसे फिशेस है ना यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी, मतलब ऐसे लंबी लंबी सी होती है ना, बड़ी वाली नहीं होती, चौड़ी वाली। अच्छा, इधर में भी है, चंदर में भी है, चलो भी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बड़ी बड़ी फिशेस। माथा बिका गया। हेलो, कितने की है ये फिशेस? 180 का। 180 की ये वाली, वो वाली 250 की। इतनी बड़ी फिश सिर्फ 250 पर केजी। अच्छा, पर केजी, मुझे लगा पूरी की पूरी। पूरी की पूरी कितने की आएगी? पूरी की पूरी वजन होने के हिसाब से 5 केजी होगा। 5 केजी मतलब कि 250 एक 1250। ठीक है, 650। ओके, बाकी भी और तरीके का सारा सामान देखने को मिल जाएगा जो कि एक पंसारी वाली दुकान में होता है। सारे बर्तन वगैरह सब टाइप की चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर टोपी देख सकते हैं हम। भैया लड़कों की जीन्स है या? अच्छा, लड़कियों की भी है, तो फ़ायदा नहीं है। कितने की है? अलग अलग है, 200 से शुरू। सेकेंड हैंड? ओके, 150। फर्स्ट हैंड? सेकेंड हैंड। ओके, एक गद्दी को ट्रॉफी ट्राई करते हैं। काफ़ी सारी टोपियाँ यहाँ पे। ये मेरी है, ठीक है ना? ये पता नहीं क्या है, ये टमाटर है शायद, ग्रीन कलर का। ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है क्या चीज़ है। सीवीड है शायद। सीवीड है ये? हाँ, सीवीड। कुबंगा। कुबंगा। ओए नली है कुबंगा। ओए ये क्या चीज़ है? अखूनी। कोई अखूनी? अखूनी मतलब ये किस चीज़ से बनता है? सोयाबीन। सोयाबीन? ओके, सोयाबीन का पत्ता है? पत्ता नहीं, ये अंदर में ना सोयाबीन, छोटा छोटा वाला सोयाबीन ऊपर वाला नहीं है वो। अच्छा अच्छा, और इसको कैसे पकाते हैं वैसे? जिसे खाना पकाता है ना, जिसे पकाते काट काट के? नहीं, हाँ हाँ हाँ, तो तल के ये तो ना देखते बा ओके, समझ गया। ठीक है, थैंक यू। आंटी ने बहुत डिटेल में वैसे समझाया, समझ में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आया, पर शायद आपको आ गया होगा कि न्यू मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है। मतलब पीछे से चलता आ रहा हूँ, यहाँ से बहुत आगे तक मार्केट है, गली गली में घुस घुस के मार्केट है, जैसे ऐसी छोटी छोटी गलियों में घुस घुस के है। यहाँ पे भी लोग जलेबी और समोसे खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। अंडे की क्रेट वगैरह मिल रही है यहाँ पे। यहाँ पे है गोट, बकरी। अभी वीडियो बनाता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत अजीब लगता है क्योंकि क्या पता लोगों को पसंद ना आता हो। हाँ, वीडियो मटन का वीडियो ले लूँ? अच्छा, कौन सा यूट्यूब है? दीपक फ्लाइंग सोलो यूट्यूब पे। दीपक फ्लाइंग सोलो। बताओ कुछ मटन के बारे में। क्या बताओ है, पिछड़ा कितने रुपए किलो होता है ये? है 700 रुपये किलो। 700 रुपये किलो? अच्छा, मटन महंगा होता है ना? हाँ, मटन महंगा। ये कैमरा ये अच्छा है ना, क्वालिटी इसका अच्छी क्वालिटी है। इसको मोबाइल में कैसे अपलोड करेंगे? तार से, कंप्यूटर में। इसका कितना प्राइस होगा? ये 40 है। 40 कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से। अच्छा लगा मिलकर ना। आप कहाँ से हो? यूपी, देवरिया जिला। अच्छा, यहाँ पे काम करने के लिए? यही दुकान है। यही दुकान है, ये रहते भी यहीं पे हो? इस वाली मार्केट में सिर्फ ये चिकन और मटन और कबूतर, यही चीज़ें हैं। और ये है यहाँ पे, हाँ ये ग्रिलिंग हो रही शायद। भैया ग्रिल कर रहे हो? हाँ ग्रिल। हाँ ग्रिल करके क्या महंगा बिकता है?
ग्रिल करके क्यों ग्रिल करना क्यों वो है मतलब चुल्लू रहता है ना उसके अलावा क्या हो जाता है माल रहता है ना उसका अच्छा मार्केट वीडियोस बनाने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि उसमें इंटरेक्शन लोगों से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है नाम क्या है दीपक फ्लाइंग सोलो दीपक फ्लाइंग सोलो फ्लाइंग सोलो क्या नाम आपका हाँ पितोजे अलग अमित के ना तो आप नागालैंड से ही हो ना चलो सब्सक्राइब कर देगा हाँ थैंक यू और चलते चलते ऐसे सब्सक्राइबर्स बनते रहते हैं हाँ इतना बड़ा जहाज है क्या पूछ करना मिलिट्री का मिलिट्री का ना इसलिए तो एकदम से ऊपर से जहाज जा रहा था तो ये हेलो ये अंकल बाहर आके एकदम से देखने लगे इतना बड़ा जहाज किस चीज़ का जा रहा है तो अभी चलते चलते भूख तो बहुत लग रही है पर ये समझ नहीं आ रहा कि खाऊं तो खाऊं कहाँ पे और जहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा सा ढंग का फूड मिल जाए मतलब कि मुझे वेजिटेरियन खाना है यहाँ पे लिखा है डोसा अवेलेबल एक मसाला डोसा डोसे का टेस्ट अच्छा होगा दुकान का नाम है ज़रूर हाँ मतलब अगर कोई भी आ रहा होगा यहाँ पे किसी को यहाँ पे ये चीज़ें खानी है कचौड़ी वगैरह तो ज़रूर आपके पास आ सकता है ये कहाँ पे पड़ती है मारवाड़ी स्ट्रीट मारवाड़ी रोड ओके ठीक है यहाँ पे कोई भी आ सकता है तो यहाँ पे आके आपको वेजिटेरियन सब कुछ मिल जाएगा चीज़ें तो ये था बीकानेर का खाना मतलब कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अगर आपको राजस्थानी खाना खाना है तो यहाँ पे आके आप खा सकते हो आई लव बीकानेर दीमापुर करके एक शॉप है यहाँ पे वैसे ये जो पूरी मार्केट है ये वाली इसमें राजस्थानी लोग बहुत ज़्यादा हैं तो ये पूरी है हांगकांग मार्केट तो यहाँ पे आपको हांगकांग मार्केट में मतलब कि वही ख़रीदने की चीज़ें मिलेगी मतलब परचेज़ करने के लिए चाइनीज़ सामान मिल जाएगा मेनली यहाँ पर जो चाइनीज़ सामान होता है उसकी सेल होती है तो इस वजह से यहाँ पर इस मार्केट को हांगकांग मार्केट बोला जाता है तो हांगकांग मार्केट में यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ आपको स्पेशल चीज़ नहीं मिलेगी वही कपड़े और मतलब एक्सेसरीज वगैरह इन सब चीज़ों की दुकान है यहाँ पे और मैक्सिमम ऐसी जगह पे आपको लड़कियों का सामान ज़्यादा देखने को मिलेगा पे मैक्सिमम जो मार्केट्स में यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे ऐसी मार्केट्स हैं मतलब जो छोटी छोटी गलियों में ही हैं जो पिछली न्यू मार्केट थी वो भी मतलब छोटी छोटी गलियों में थी ये सेम मार्केट है हेलो क्या है आपके पास अच्छा ये टी शर्ट है कितने की टी शर्ट बेचते हो 100 450 मांगता है ओके 250 बिक्री करता है ओके मतलब ये फुल बाजू वाली भी है फुल बाजू नहीं है वो हाफ बाजू की है सारी तो मैं देख लेता हूँ कोई एक और आपका यूट्यूब का नाम क्या है दीपक फ्लाइंग सोलो ये प्लेन टी शर्ट है हाँ प्लेन है ये मेरा स्टाफ है स्टाफ है हाँ मेरा स्टाफ हेलो हेलो नहीं बोलोगे नहीं बोलेगा ये फर्स्ट हैंड है सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड सिर्फ 100 रुपए में हाँ क्या बात है ये मेरा पिताजी है मारते क्या बोलेगा जानते हैं बोलेगा माइक देख के बोलेगा साला अभी तक भूख पर नहीं बैठा है समझा नहीं उसने मेरा पिताजी है बोलता है घर में जाओ अपना क्या हो इतना देखा था ना कि हां देखा था ना कि अरे ये यूट्यूब हां दिमापुर में बहुत कम थी कपड़ा का दाम क्या बोला दिमापुर में सस्ता है कपड़ा का दाम सस्ता है कपड़ा महंगा नहीं है बाहर का जैसा अच्छा दिल्ली में 100 रुपए की मिलेगी 150 रुपए की मिलेगी तो भैया ने जैसा कि बताया कि यहाँ पे दीमापुर में कपड़ों का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं होता काफ़ी सस्ता होता है क्योंकि जो मैंने टी शर्ट खरीदी है वैसे ऐसी टी शर्ट अगर मैं सरोजनी मार्केट में खरीदने जाऊँ तो सिर्फ मतलब 150 रुपये की मिलेगी और यहाँ पे सिर्फ 100 की मिली है तो काफ़ी सही है प्राइस शूज़ का प्राइस भी काफ़ी सही होगा न्यू सामान मिलेगा न्यू मिलेगा अच्छा शूज़ का प्राइस बता दो फिर किसी एक
ये वाला कितने का है? कौन सा ये? ये वाला नहीं, ये वाला ये तो बच्चों के हैं। बच्चे का बड़ा का भी है। कितने का वो वाला? वाला 350 में मिल जाएगा। 350 क्वालिटी का ऊपर। हाँ दीपो दीदी 350 तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। ये वाला शूज़ मैंने लिया है 800 रुपये का। तो कैनवास है ना? हाँ, जैसे ये भी कैनवास है, सेम सिमिलर है। ये वाला कितने का दोगे? 400। बड़ा सस्ता दे रहे हो, बढ़िया। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से चलो, अगली बार शूज़ चाहिए होगा ना, यहीं से लेके जाऊँगा। हाँ जी, क्या नाम आपका? उज्जवल। आप कहाँ से? यूपी से? ना, असम से। असम से, ओके। आसाम से भी है लोग यहाँ पे, यहाँ पे बिहार से भी है, यूपी से भी हैं। दिल्ली से कोई नहीं मिला अभी तक? उधर का आदमी कम ही मिलेगा। दिल्ली से दिल्ली से गुवाहाटी जाने से सब। दीपक फ्लाइंग सोलो, दीपक फ्लाइंग सोलो। ओके थैंक यू, तो चलते चलते कोई लोग मतलब चैनल का नाम पूछ लेता है तो उनसे सब्सक्राइब हो जाता है, मतलब कि सब्सक्राइबर भी ऐसे बढ़ते जाते हैं मार्केट वीडियोस में। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये सूप पीने के मतलब एक तरीके से थाली है ये, और थाली विद हैंडल। ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने कोई थाली हैंडल के साथ। जी हांगकांग मार्केट है ये, काफ़ी मतलब बड़ी है। मैं और दूसरी साइड को चला गया, दूसरी साइड को मतलब ये ख़त्म हो गई थी तो मुझे लगा ये ख़त्म हो गई, पर यहाँ से बहुत बढ़िया है ये मार्केट। अभी इस साइड में चलते हैं। इस वाली मार्केट में ये अच्छी बात है कि मतलब इन मार्केट में कोई भी ऐसे रोक रोक के सामान चेपने की कोशिश नहीं करता, जिसको जो खरीदना है वो अपने आराम से खरीद सकता है। सो गाइस, आज के दिन मार्केट वगैरह घूम के आ गए हैं, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मैं अपने होस्ट के घर वापस पहुंच चुका हूं। तो आगे की वीडियो मैं कल कंटिन्यू करूंगा, कल मैं कोहिमा जा रहा हूं। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।